हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जाए। आज के टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके पहले हमें उन्हें जाना था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। उसके बारे में हमें उन्हें डिटेल में समझा था, ठीक है। अब दोस्तों नेचर को पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर, यानी अगर आपको ये जानना है कि भैया नेचर क्या होता है सब्जेक्ट का, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का, फर्स्ट वी हैव टू नो वेदर कि ये साइंस है कि आर्ट है या फिर दोनों है। यानी कि भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है कि आर्ट है या फिर दोनों है। इफ इट इज साइंस, अगर ये साइंस है तो कौन सी साइंस है, ये पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस है। तो भैया हमको ये चीज इसके अंदर समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों गलती मत करना, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन अच्छा खासा, ठीक है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमको क्या जानना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है कि आर्ट है। एंड अगर साइंस है तो कौन सा साइंस है, पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या कहा गया है, पॉजिटिव साइंस कहा गया है। क्यों कहा गया है, चुप रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइंस हमको बताता है डज नॉट सजेस्ट एनी प्रॉब्लम, ये हमको कोई प्रॉब्लम सजेस्ट नहीं करता है, ठीक है। इट एक्सप्लेन ओनली वॉट इज प्रॉब्लम, ये हमको बताता है कि समस्या क्या है। यानी कि हमको जो समस्या है, जो चीज जैसी है वो हमको वैसे ही बता देता है पॉजिटिव साइंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से इट कैन बी सेड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस होता है, ठीक है। एज इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फर्म, क्योंकि हमको ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि कॉस्ट निकालने में, प्रोडक्शन करने में, प्रॉफिट को निकालने में, लॉस को निकालने में, ठीक है। यानी जो चीज़ जैसी होती है उसको, समस्या को समझने में, समस्या को आइडेंटिफाई करने में हमको ये हेल्प करता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहा गया है, ठीक है। दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखो बाय बाय, मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स कह रहा हूँ, आप इसको साइंस समझिए ना, ठीक है। तो दोस्तों नॉर्मेटिव का क्या मतलब होता है, नॉर्मेटिव साइंस एक्सप्लेन व्हाट शुड बी डन, कि हमको क्या करना चाहिए। देखो अगर मैं आपको एक वर्ड यहाँ पे लिखवाता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव के आगे ये कहना आइडियाई सिचुएशन, ठीक है। यानी कि क्या आइडियाई सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड नॉर्मेटिव हमको बताता है एक्चुअल सिचुएशन, कि क्या होना चाहिए, क्या है ये बताता है पॉजिटिव, क्या होना चाहिए ये बताता है नॉर्मेटिव, ठीक है। तो नॉर्मेटिव साइंस एक्सप्लेन व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। इट सजेस्ट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ये हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। एग्जांपल, इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ये क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, इंडिया शुड नॉट बी अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है इसका। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इट कैन बी सेड कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस ऑल्सो, ठीक है। बिकॉज इट एक्सप्लेन एंड एनालिसिस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ अ फर्म, क्योंकि ये हमको बताता है बिजनेस की प्रॉब्लम्स क्या है, समस्या क्या है, उसको सॉल्व करने में हेल्प भी करता है, ठीक है। ओके, अब आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, तो क्या ये आर्ट है, ठीक है। ओके, आर्ट तो है ही है, क्योंकि भैया हम लोग इकोनॉमिक्स के टेक्निक्स का, प्रिंसिपल का यूज करते हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हाँ, ये भैया आर्ट भी है, ठीक है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों ये साइंटिफिक आर्ट है, इसको क्या कहा गया है, साइंटिफिक आर्ट कहा गया, क्योंकि साइंस का भी यूज करते हैं इसके अंदर हम लोग, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ बोथ नॉर्मेटिव साइंस एज वेल एज आर्ट, दैट इज वाई सम पीपल कॉल इसको साइंटिफिक आर्ट भी कहते हैं। ओके, ये भी आपका हो गया। अब दोस्तों स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अब ये स्कोप का क्या मतलब होता है, स्कोप का मतलब होता है क्या क्या चीजें बिजनेस इकोनॉमिक्स में आती हैं। एक क्वेश्चन आपका यहां से बहुत ही अच्छे तरह से बन सकता है, ठीक है, क्योंकि कौन सा आइटम किसके अंदर आता है आपसे एग्जाम में ये पूछ देगा, ठीक है। सबसे पहले स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि अगर आप यहां से बिजनेस को हटा भी देते हो ना, तो बच क्या गया, इकोनॉमिक्स बच गया। यानी कि इकोनॉमिक्स का क्या क्या स्कोप है आप ऐसे समझियो ना, ठीक है। तो पहला आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दूसरा आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो अप्लाई किया जाता है ऑपरेशनल इश्यूज में, यानी कि छोटी मोटी समस्याओं को, चीजों को चलाने में जो दिक्कत आती है उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। फिर मैक्रो जो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, अगर हमको कोई दिक्कत आई है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई समस्या है जिसे हमको बचना है, तो वो सब कुछ मैक्रो में होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट की चीजें मैक्रो में होती हैं, एंड ऑपरेशनल बिजनेस को चलाने की चीजें माइक्रो में होती हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, अगर केवल डिमांड बोलेगा, प्रोडक्शन बोलेगा, कॉस्ट बोलेगा, प्राइसिंग थ्योरी, कॉस्ट एनालिसिस, कैपिटल मैनेजमेंट, डिसीजन थ्योरी एंड अनसर्टेनिटी, तो ये सब कुछ माइक्रो में आता है, ध्यान रखना इस बात का, एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। अब दोस्तों
अगर मैक्रो की बात की जाए तो इकोनॉमिक सिस्टम की, हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैपिटलिज्म होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में, बिजनेस का साइकिल, बूम हो गया, डिप्रेशन हो गया, रिसेशन हो गया, जनरल ट्रेंड्स इन इकोनॉमी जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, पॉवर्टी हो गई, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, फिर ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसी, सोशल सामाजिक फैक्टर यानी कि रीजनल डिसबैलेंस, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, प्राइस एंड ईएमआई पॉलिसी, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो भी आपकी बात कही यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। देखो अब इकोनॉमिक सिस्टम बहुत सारा बड़ा सिस्टम होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसी एक की तो पॉलिसी होगी नहीं, सबकी पॉलिसी होगी, तो ये आपका आता है मैक्रो के अंदर और ये आपका आता है माइक्रो के अंदर। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ देगा भैया कौन किसके अंदर आता है, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब एक एक के बारे में डिटेल में देखते हैं हम लोग। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल इशू, यानी कि बिजनेस में होने वाली समस्याओं को सॉल्व करने के लिए माइक्रो का यूज करते हैं, ऑपरेशनल यानी कि एक्टिविटीज को, ठीक है। पहला है डिमांड एनालिसिस कि भैया डिफाइंड एज अ बिजनेस फर्म एज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विच ट्रांसफॉर्म, देखो यहाँ पे देखो इतना डिटेल में आपको अंदर घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि डिमांड कितनी है किसी चीज की, डिमांड के बारे में इंडिविजुअल डिमांड हो गया, तो ये क्या आ गया आपका डिमांड एनालिसिस, कि डिमांड के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो वो माइक्रो के अंदर आता है, बस इतना आपको जानना है, डिटेल में घुसने की आपको यहाँ पे कुछ पूछेगा भी नहीं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग मार सकते हो, डिमांड का मतलब होता है जब भी कोई इंसान सामान खरीदना चाहता है अलग अलग दामों पर और सेम टाइम पर, तो उसको डिमांड बोलते हैं, तो यानी कि डिमांड एनालिसिस, डिमांड कितनी होगी क्या होगा सब इसके अंदर आता है, ठीक है, ओके। अब जैसे कि डिमांड आ गया तो डिमांड के डिटरमिनेंट्स यानी डिमांड के फैक्टर अफेक्टिंग, फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड की डिफरेंशियल, डिमांड फॉरकास्टिंग, सब कुछ इसी के अंदर आता है, यानी कि डिमांड किस टॉपिक के अंदर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, यानी कि किसी भी सामान को बनाने में जो प्रोडक्शन का खर्चा होता है, ठीक है, एंड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, जितने भी खर्चों की बात होती है या फिर प्रोडक्शंस की बात होती है वो किस में आता है आपका माइक्रो में आता है, तो आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका इसके अंदर है कि आपका आ गया प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, टीसी, एमसी, एसी, सब जितने भी कॉस्ट होते हैं, देखो ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि हमको आगे पढ़ना है, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन हमको आगे पढ़ना है, कॉस्ट चैप्टर हमको आगे पढ़ना है, डिमांड हमको आगे पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग हमको आगे पढ़नी है, प्राइसिंग थ्योरीज हमको आगे पढ़नी है, यानी दीज ऑल आर चैप्टर्स जो कि हमको आगे पढ़ना है, तो यहाँ पे कौन सा किसके अंदर आता है बस इतना समझो, ठीक है। तो ये आपका आ गया लीनियर प्रोग्रामिंग, कॉस्ट, आउटपुट, रिलेशनशिप, फिर आता है प्राइसिंग थ्योरी एंड पॉलिसी, किसी भी सामान का दाम कैसे निकालते हैं जिसको बोलते हैं प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है, एंड भैया आपका पॉलिसीज की पॉलिसीज कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये आपका आ गया। फिर कैपिटल मैनेजमेंट, पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, किसी भी भैया कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाए आप ये कह लो, ओके सिंपल सा है। फिर आपका आता है प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्रॉफिट को कैसे मैनेज किया जाए, प्रॉफिट की पॉलिसी क्या होगी, रेट ऑफ पॉलिसी, प्रॉफिट स्टेबिलिटी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी बस नाम याद रखो, नाम बस नाम आप याद रखो, ठीक है। फिर डिसीजन थ्योरी अंडर अनसर्टेनिटी, जब चीजें अनसर्टेन है यानी कि पता नहीं कि क्या होने वाला है और हमको डिसीजन लेना है, तो ये भी आपका माइक्रो के अंदर आता है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब दोस्तों आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, पहले आपका इकोनॉमिक सिस्टम कि आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, कि आपका फ्री इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है आपका, या फिर आपका कैपिटलिज्म है, फिर आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, बिजनेस का साइकिल क्या है, बिजनेस के साइकिल के अंदर एक होता है बूम, एक होता है डिप्रेशन, एक होता है रिसेशन, ठीक है। फिर जनरल ट्रेंड्स इन इकोनॉमी कि भैया एम्प्लॉयमेंट कितनी है, इनकम कितनी हो रही है, प्राइस कितना है, लोग कितना सेव करें, लोग कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड पॉलिसी क्या है देश की, सामाजिक फैक्टर क्या क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है इस समय, ठीक है, तो ये सब कुछ आपका, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, जनरल एटीट्यूड, तो ये सब कुछ आपका किस में आता है, मैक्रो में आता है। तो मोटा मोटी ये समझ में आ गया कि कौन सा आइटम किसके अंदर आता है, आपको ये पता होना चाहिए बस, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों दोनों के बीच में डिफरेंस जो हम लोग है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने जाना कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो आपके काम की चीजें हैं, जो आपके एग्जाम में पूछेगा वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी वीडियोस के बने, ये वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।